सो अभी दोस्तों रात को 1 बजे पंजाब लुधियाना में रेलवे स्टेशन पे हमारा कैंप लग चुका है। सो अभी दोस्तों उठने में काफ़ी लेट हो गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना MD आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए दिन एक नए व्लॉग में। सो दोस्तों अभी मैं हूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहां से एक नई जर्नी का शुरुआत करने वाला हूं, क्योंकि अभी 2 दिन हो गया मुझे दिल्ली आए हुए और दिल्ली से मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि एक नई जर्नी का मैं शुरुआत करने वाला। तो यहाँ से जो मेरी नई जर्नी होने वाली है पंजाब लुधियाना के लिए, तो अभी रात को करीब 8 बज रहे हैं। तभी मैं मेरा 8:50 पे मेरी ट्रेन है पंजाब लुधियाना के लिए। तो जर्नी का दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों इस जर्नी का शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों इस विकलांग बोगी में विकलांग से ज्यादा तो सभी लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों रात को 1 बजे पंजाब लुधियाना में रेलवे स्टेशन पे हमारा कैंप लग चुका है, जो कि देख सकते हैं पीछे रेलवे स्टेशन। यहाँ आने के बाद हमने यहाँ पर अपना कैंप लगा दिया है। अब चल रहे हैं इसमें सोने के लिए, क्योंकि 4 से 5 घंटा बिताना है। इधर उधर बैठकर तो टाइम बिता नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर टेंट लगाए हैं। ये बहुत काम का चीज़ है, कहीं भी लगाओ आराम से इत्मीनान से सो इसी में। अभी टेंट हमारा लग चुका है रेलवे स्टेशन के जस्ट, ये बना हुआ था टीना वाला, तो यहाँ पे लग चुका है। तो चलिए अंदर बिछाते हैं और सोते हैं इसी में, मिलते हैं आप। कैंपिंग टेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है, जैसे कि अभी हम लोग आए हैं रेलवे स्टेशन पे, अब अभी दिन होने में करीब 5 घंटा बाकी है, तभी हम लोग इधर उधर ठिठुरते बैठते कहीं ना कहीं। और देखिए कैंपिंग टेंट था लगाए यहाँ पर, अपना चादर बिछाएँ, अब यहाँ पर 5 घंटा आराम से लेटेंगे सोएंगे, सुबह उठने के बाद जहाँ भी हमको जाना है वहाँ के लिए रवाना होंगे। तो कैंपिंग टेंट का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो अभी हम बंद करते हैं इसको। तो ये अपना ओके हो गया कैंपिंग टेंट, अब सोते हैं हम लोग। अगर होटल का खर्चा अगर बचाना चाहते हैं तो ये टेंट लेकर निकल जाइए भारत घूमने के लिए। दोस्तों सोते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से सुबह, ठीक है, क्योंकि नींद लग रहा है काफ़ी, रात को हो रहे हैं 1, तो मिलते हैं सुबह दोस्तों आप सभी लोग से। कैंपिंग है इधर, आइए हम लोग उनको जगाते हैं पहले। ये रहा हमारा सोलो कैंपिंग, आसे भाई, ओ आसे भाई, ओ आसे भाई, अरे उठो यार सुबह हो गए आसे भाई, ओ सुबह हो गए यार, उठो उठो उठो, सर पे सूरज डांस कर रहा है। 9 बज गए यार, 9:20, यह देख लो सुबह सुबह, देख लो देख लो, इस थोबड़े को पहचान लो अच्छी तरीके से, देख लो। सो अभी दोस्तों उठने में काफ़ी लेट हो गया, अभी अगर ये जगाता नहीं तो अभी मैं सोया रहता, क्योंकि करीब रात को मैंने बताया था 1 बजे हमने आया यहाँ पर, जो कि अभी हमें बताया था मैंने कि पंजाब लुधियाना रेलवे स्टेशन पे आने के बाद हमने टेंट लगाया। टेंट लगाने के बाद 1 बजे 1 घंटा इधर उधर होने में करीब हम लोगों को 2 बज गया, तो 2 बजे सोए तो उठने में लेट हो गया काफ़ी, तो अभी 9 बजने वाले हैं अभी, तो अभी उठ तो गए हैं, अब इसको समेटना है, फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद फिर यहाँ से चलते हैं किसी डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। यहाँ आ गए हैं
तो अभी दोस्तों उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से। तो ये देख सकते हैं दिन का कुछ ऐसा व्यू है लुधियाना रेलवे स्टेशन का, जो कि करीब हमने दिन में आया था यहाँ, अरे करीब रात को 1 बजे यहाँ पर आया था। आने के बाद यहाँ पर रात को फटाफट हमने इस जगह को खोजा, जगह को खोजने के बाद यहाँ पर अपना कैंपिंग लगाया। तो दिन में देखिए कुछ ऐसा है, रात को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था कैसा है। तो यहाँ पर कैंपिंग अब वाह क्या सीन है, मजा आया। ये देख लो गरीबों को, देख लो ये है, ये यूट्यूब पे यूट्यूबर बनेंगे देख लो। अरे करो यार फटाफट करो, अरे फटाफट करो, तुम लोग यार खाली मजाक किए बैठे पड़े, खाली खा रहे हो आराम यार, खाली सिर्फ खाने का जहाँ जानते, काम धंधा करने तो आता नहीं है, फटाफट काम करो। दया आ रहा है ना, हाँ क्योंकि एक उसमें दिख रहा है ना भाई, अपने को दया जा नहीं है करना है किसी के ऊपर। चलो 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 फटाफट फटाफट, चल 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 चल। सामान सब पैक हो गया, टेंट वगैरह खोल के बांध लिए हैं, बैग वगैरह भी सब पैक हो गया है। तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं बाहर, जो कि फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं सारा कुछ, ओके अब चलते हैं नाश्ता पानी करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों को वहाँ पर। रेलवे स्टेशन पर ही काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को, क्योंकि उठे थे हम लोग 9 बजे, सब समेटने में उठने में 10-11 बज गया वहीं पे। तो 11 बजने वाले हैं ना, तो 11 बजे हम लोग वहाँ से आए, और आए थे रेलवे स्टेशन पे हम लोग रात को 1 बजे लुधियाना, तो वहाँ पर टेंटिंग वेंटिंग लगा कर फिर आए हैं यहाँ पर, भूख लग गया 11 बज गया, तो यहाँ ढाबा पर आए हैं। तो ये पंजाब का फेमस आलू का पराठा, और इधर कुलचा छोला, तो यही खाते हैं। तो बने रहे हैं आप सभी लोग, बच्चे का उसे पैक करवा के ले जाते हैं, पैक करवा के ले जाएंगे, तो बच्चे के वो थैले में पैक करके लेके साथ में चलेंगे। हाँ। रास्ते में लंबा सफर,
कैसे फुल खाना खाना है। पंजाब में अगर आ रहे हैं तो सबसे सस्ता अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो दो चीज़ आपके लिए बेटर है, या तो गुरुद्वारा और या तो आलू कुलचा है भाई फेमस। दो चीज़ खाइए ठीक है। तो हम लोग सुबह सुबह हैं तो भूख लगा था, तो हम कहें नाश्ता कर लें, गुरुद्वारा में बाद में जाया जाएगा। तो अभी दोस्तों खाना खा के मैं फारिग हो चुका हूँ, और ये मेरा सिख भाई जो कि यहाँ पे आने के बाद इससे मुलाकात हुआ है, ये भी हमारे साथ यात्रा में जुड़ा रहेगा मेरा सिख भाई। कौन भाई, कौन कौन इसको पहचानते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ लुधियाना में। तो लुधियाना में मैं क्यों आया हूँ बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लुधियाना में मैं इसलिए आया हूँ कि दोस्तों मैं भारत जोड़ो यात्रा में जा रहा हूँ जुड़ने के लिए, इसलिए मैं आज आ गया हूँ लुधियाना में। तो अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि उनकी यात्रा कहाँ पे चल रही है। तो ये था दोस्तों मेरा सफ़र का वीडियो, जो मैं दिल्ली से यहाँ आया था, रात को कैंपिंग वगैरह जो भी किए, तो यहाँ पर सुबह आए, खाना वगैरह खा के रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों को पता करना है एड्रेस, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, उसका एड्रेस पता करना है। तो चलते हैं अब वहाँ एड्रेस पता करते हैं, और अब यात्रा का पता करेंगे और उसमें जुड़ेंगे, तो वो वीडियो कल मिलेगी आप सभी लोगों को, यात्रा वाली, जो कि यात्रा में हम लोग जुड़ेंगे राहुल गांधी के साथ, तो वो वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी। इस वीडियो करते हैं यही पेंट, आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आप लोगों को के साथ कल राहुल गांधी की यात्रा में। जय हिंद, खुदा हाफिज़, बाय बाय।